जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ये अपने YouTube चैनल अरवन जी के स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेड होने वाले, लगभग टॉप 25 आपको MCQ होने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कबड्डी खेल का उद्भव आपको किस देश में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला, भारत में कबड्डी खेल का आपको उद्भव माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। शतरंज का जन्मदाता आपको किस देश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी वाला, भारत देश को, आपको भारत देश को शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी वाला, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर आपको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस निम्नलिखित में से कौन कहलाता है, किस क्रिकेटर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला, शोएब अख्तर को, जो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस आपको कहा जाता है, शोएब अख्तर को। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध आपको किस देश से। तो ऑप्शन नंबर सी वाला, स्विट्जरलैंड से है आपको रोजर फेडरर का संबंध। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 6, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जो बुल फाइटिंग है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला, स्पेन का राष्ट्रीय खेल आपको बुल फाइटिंग है, जो स्पेन का वो राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है। जो अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल है आपको वो किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला, वॉलीबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन आपको खेल है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किससे प्रारंभ किया गया। भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है वो किससे प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला, तुर्क से आपको प्रारंभ हुआ था भारत में पोलो खेल। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल आपको क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। याद रखेंगे, हॉकी आपको भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10, किस खेल में सुमन वाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किस खेल में सुमन वाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा, महिला हॉकी में। याद रखेंगे, महिला हॉकी में सुमन वाला ने आपको भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 11, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। गोल जो एक आत्मकथा है वो किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला, मेजर ध्यानचंद का प्रसिद्ध आत्मकथा है आपको गोल। याद रखेंगे, गोल मेजर ध्यानचंद का आपको प्रसिद्ध आत्मकथा है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट PT ऊषा की आत्मकथा का क्या नाम है। जो प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट है वो PT ऊषा की आत्मकथा का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला, गोल्डन गर्ल आपको प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट PT ऊषा का आपको आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 13, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस महाद्वीप पर अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला, अफ्रीका महाद्वीप पर अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल आपको आयोजन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब किया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल का जो प्रथम आयोजन है वो कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला, 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल का आपको प्रथम आयोजन किया गया था। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन नंबर ए वाला, बिचेंद्री पाल, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही है। याद रखेंगे, बिचेंद्री पाल।
नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी। जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है आपको ऑप्शन नंबर डी वाला, डिक्की डोलमा। याद रखेंगे डिक्की डोलमा एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की ये महिला है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 17, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला रामनाथ कृष्णन को। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाले ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी वाला सानिया मिर्जा। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 19, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला उरुग्वे। जो आपको विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम विजेता देश है आपको उरुग्वे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 20, विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने वाला गौरव किस देश को आपको प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ब्राजील को प्राप्त है विश्व कप फुटबॉल सर्वाधिक बार जीतने का गौरव, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया। प्रथम एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था वो कब खेला गया था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला 1971 ईस्वी में। याद रखेंगे 1971 ईस्वी में आपको प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपको खेला गया था। नेक्स्ट ओवर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के जो कप्तान बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सी के नायडू। फ्रेंड्स देखेंगे सी के नायडू भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट आपको ये कप्तान है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 23, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ। क्रिकेट गेंद में 6 गेंदों का ओवर आपको कब से प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी वाला 1900 ईस्वी से क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर आपको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपको नहीं खेलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला रूस आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है वो नहीं खेलता। याद रखेंगे कौन सा देश आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वो रूस है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपको नहीं खेलता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला मेजर ध्यानचंद से आपको संबंधित है। जो राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो सारे प्रश्न आपको लगभग इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं ऐसा ही वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।